मैं यहाँ से मेरे बहनों को ये संदेश के परिणाम देना चाहता हूँ कि आपके पास एक ऐसी डायनामिक लेडी है, किसी दिन में और कुछ नसीब है आपके, आप दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भी देखिए, दूसरे जगह पर देखिए, आपको स्टेट का इतने जबरदस्त लेडी है तो लेडीज के लिए उनको शक्ति बढ़ाने के लिए, उनको मुस्तहक करने के लिए हमेशा मेरे से बात करते रहते हैं। अब हमारी भी कुछ ऐसी पोलिटिकल लाइफ पहले मुसलसिल लड़ाई लड़ रहे थे, अभी भी हाईकोर्ट में भी केस है मैं मालूम के खिलाफ और वक्फ ट्रिब्यूनल में भी केस है, ट्रिब्यूनल से सीधा मैं नमाज पढ़ाने आ रहा। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि यहाँ से जो पैगाम दिया गया है उसको फॉलो करें, और आप लोग ताकत है, आप लोग ताकत है, आप लोग इक्वल है, आपकी शक्ति आप लोग, क्योंकि अक्सर ये होल सिटी में बात मशहूर है कि बहने हमारी भोली भाली होती, अब भोली भाला पर खत्म होना चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए हमको, हमको तालीम चाहिए, हमारे बच्चे जो बेरोजगारी की वजह से भविष्य का बने हैं, अपने माँ बहनों के पेट पालने के लिए उनके उनके जो प्रॉब्लम्स है वो नौजवान जेलों के आज जितने भी ओल्ड सिटी के पुलिस स्टेशन है नौजवानों की रोगीशी से भरे हुए हैं। क्यों? अपने बहनों के लिए, क्योंकि अक्सर बहनें घरों में रहती हैं और लड़के काम पे जाते हैं, तो अपने घर का पेट पालने के लिए वो जराय के साथ होते हैं। तो आप जिनको वोट दे रहे हैं और जो बोगसी है, आप जो आप लोग घरों से पुलिस स्टेशन को नहीं जाने की वजह से आपके नाम को वो लोग ले जाकर डाल देते हैं। तो हमारी लड़ाई जो है, हम एक एक वोट को हमारी बहने सुबह होना और हमारे वोट का इस्तेमाल करना चाहिए इंशाल्लाह के लिए। राहुल गांधी सोनिया मैडम आज कितनी देखिए, वो वजीर आजम बन सकते थे लेकिन देश के लिए नहीं, उनके शौहर इस देश के लिए कुर्बानी दी, उनके सास इस देश के लिए कुर्बानी दी। आज राहुल जी जिस तरह से आप लोगों को शायद अंदाजा है नहीं है, वो अपनी जान लेके निकले हुए हैं, अपनी जान लेके निकले हुए हैं, उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत ज्यादा जगह जगह घूमने की कोशिश कर रहे हैं। सांप्रदायिक ताकतें नहीं चाहती कि राहुल जी या कांग्रेस पार्टी और इंसाफ के लिए लोगों के मजलूमों की आवाज को उठाने के लिए कोई दूसरा आना नहीं चाहती। तो आज वक्त है यार, यकीन मानिए हमारे धरते साहब ने कहा था, अगर आज इस इलेक्शन में आप अगर इस इलेक्शन में आप थोड़ी भी चौंक अगर गलती करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन होने वाला नहीं है। याद रखिए, कांग्रेस को जिंदा रखना, इस देश को जिंदा रखना, इस देश के इतिहास को जिंदा रखना है। बेच रहे हैं लोग, भाग रहे हैं आपकी दौलत लूट के, बचाने के लिए याद रखिए मेरे बहनों, आप लोग आपको भेजा नहीं होगा, मर्द अपनी जगह है जो की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों की लड़ाई है, आपके फ्यूचर की लड़ाई, राहुल गांधी की लड़ाई आपके फ्यूचर की लड़ाई। आप देखिए इतने दूर से कहां तक सफर कर रहे हैं भाषा से, किसके लिए? क्या उनके पास पैसे की कमी है? क्या दौलत की कोई भी चीज सोने के चमचों में खा सकता है? हर चीज है सबके, वाली दादी सब लोग कह रहे हैं उनके इस देश पे इस मुल्क पे अत्याचार मुक्तदर आला थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप बहनों भाइयों के लिए, इस देश के हित के लिए, इस देश को मजबूत रखने के लिए, इस देश को जोड़ने के लिए, और जो भारत जोड़ो यात्रा से पहले लोग ये कहते थे कि हमारा यहाँ का एमपी भी बोलता था कि म्यूजियम में रखने की खातिर हो गई कांग्रेस पार्टी, आप लोगों का इतिहास वो भारत जोड़ो यात्रा जो निकली राहुल गांधी की, वो यात्रा आज तेलंगाना में आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत तेलंगाना में, अब देश का सवाल है। रियासत को आपने बचा लिया, रियासत को तेलंगाना को आपने बचा लिया, क्योंकि बीआरएस भी बीजेपी की बेटी है, सब जानते हैं, जगह जगह जहां भी जरूरत पड़ी बीजेपी की टाइप करने वाली जमात बीआरएस है, इनडायरेक्ट तो ये बेटी है, सबको मालूम होगा, सब जान चुके हैं, सिर्फ इस वक्त आप बोल के सोना नहीं है, हमको सोना नहीं बेदार रहेंगे। ये नेक्स्ट 24 का जो इलेक्शन हमारा आने वाला है पार्लियामेंट इलेक्शन, उस इलेक्शन में हम सबको
हमारे फ्यूचर की लड़ाई है, ये सोच के पार्टी को नहीं देखना है। पार्टी आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए लड़ने वाली कोई पार्टी तो कांग्रेस पार्टी याद रखिए। कांग्रेस को बचाइए आप, कांग्रेस आपकी पार्टी है, कांग्रेस इस देश को आजाद कराने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। लाखों लोगों ने, हिंदू मुस्लिम ने इसके लिए कुर्बानियां दी थी, आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर नाम लिखे हुए सबके कुर्बानी देने वालों के, हम भी उन्हीं नाम में हमारा भी नाम शुमार हो जाए। हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम भी इस देश के लिए लड़ने में मारे जाए। इसलिए हमारे ख्वाहिश है, आप बहनों से हमारी गुजारिश है, इल्तजा है कि आप जैसे कि हमारे बहन ने कहा कि आइंदा जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग में कम से कम 10-10 औरतें एक एक औरत को जाए तश्कील करें। आपकी हिम्मत है, आपको डेट दे दी गई है, आपको तारीख दे दी गई है, एक दिन के कोई बहने मेरी वजह से जाते हैं बोलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुर्बानी दीजिए, देश के लिए कुर्बानी दीजिए। कांग्रेस का नहीं है, देश के लिए है हमारा यहाँ जमा होना, इस मुल्क के लिए जमा होना। हम बहन हमारे उनके घर के लिए नहीं आए, आपके घर के लिए आपको नहीं बुलाए, आपके घर का मसला नहीं है, देश का मसला है। इस देश को बचाना है, इस देश को वो ताकतों के नाम, वो ताकतों से बचाना जो हिंदू और मुसलमानों के नाम पे लूट रहे हैं, बांट रहे हैं, बांट के सिर्फ अपने घर भर रहे हैं। बताइए, किराए के घरों में थे, आज बड़े बड़े पैलेसेस के मालिक शास्त्रीपुरम में कितना बड़ा पैलेस कहां से आ गया। आरटीसी बस में जाते थे इनके भाई लोग खुद बोले हुए हैं कि मैं अपने दोनों भाइयों को लेकर एसपीएस हैदराबाद पब्लिक स्कूल को आरटीसी बस में जाता था। आज बड़े बड़े लग्जरी कार्स वहां गैरेजेस में सजे हुए हैं। कहां से आपको इस्लाम के नाम पे आपको लूटा गया, आपको गैर मुस्लिम हिंदू के नाम पे लूटा गया। ये बहुत लूटी 2024 का इलेक्शन हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं, देश को बचाने के नाम पे, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के नाम पे हमें लड़ना चाहिए। मेरे बहन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जब भी भाई की जरूरत है तो भाई ढूंढ के देने के लिए। उस्मान भाई ने बड़े अच्छे तरीके